1% फॉर्मूला बाय टॉम कनेलन अध्याय दो, प्रेरणा को बढ़ाने वाले विपरीत तरीके। कोच जिम ने जब उसे बिजनेस कार्ड दिया था उसके बाद 3 सप्ताह गुजर चुके थे। आज कैन रोमांचित और शायद थोड़ा आशंकित भी महसूस करते हुए अपनी कार में बैठा था। ऐसा क्यों ना हो, आज वह 1% समूह के अगले आदमी से मिलने वाला था जिसके बारे में जिम ने कहा था कि अगर ओलंपिक में बिक्री की प्रतिस्पर्धा हो तो स्वर्ण पदक वही जीतेगा। कोई हैरानी नहीं कि वह काफ़ी व्यस्त रहता था। उससे मिलने की खातिर केन को 3 सप्ताह तक इंतज़ार करना पड़ा था। केन चाहता था कि यह प्रक्रिया ज़्यादा जल्दी शुरू हो। उसने सोच विचार में ज़्यादा समय नहीं लिया था। दरअसल जब जिम ने उसे बिजनेस कार्ड दिया था उसके अगले दिन ही उसने हाँ कर दी थी। फुटबॉल गेम के बाद रात को उसने अपने पलंग के सिरहाने वाली टेबल पर कार्ड रख दिया था। जब वह सोने गया तब भी कोच के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे और उसे ज़्यादा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। सुबह वह सामान्य से थोड़ा जल्दी उठ गया जब सूर्य उग ही रहा था। अब उसे हर चीज़ बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसे यकीन था कि वह कुछ परिवर्तन करने के लिए तैयार था। अपने जीवन के कई पहलुओं में 1% बेहतर बनना, वह यह काम कर सकता था। वास्तव में उसे यह करने की एक गहरी ज़रूरत महसूस हुई। उसे अपना निर्णय का महत्व वास्तव में तभी समझ आया जब उसने बिजनेस कार्ड उठाकर जिम को फ़ोन किया। कोच कैन की आवाज़ सुनकर खुश थे लेकिन हैरान नहीं। स्वागत है कैन, हमारे समूह में आपका आना बेहतरीन है, उन्होंने कहा। लेकिन शुरुआत करने से पहले मुझे आपको 3 सरल ज़मीनी नियम बताने होंगे। इसके बाद आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप उनका पालन करेंगे। कैन ने सोचा कि किसी तरह का कोई पेंच होगा। पहला नियम, आप जो कर रहे हैं वह अपनी पत्नी के सिवा किसी को भी नहीं बता सकते, जिम ने कहा। अगर लोग हैरान होते हैं कि ऑफिस के बाहर आप क्या कर रहे हैं तो आप कोई सामान्य बात कह सकते हैं, जैसे आप कोचिंग ले रहे हैं या किसी मास्टरमाइंड या मार्गदर्शन समूह के सदस्य हैं। लेकिन आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं कैन? कैन ने सोचा, शायद यह इतना मुश्किल नहीं होगा। निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कोच। दूसरा नियम, आप यह प्रक्रिया सिर्फ तभी शुरू कर सकते हैं जब आप इसे पूरा करने का वादा करें। हम आपको यह मौखिक वादा चाहिए कि एक बार शुरू करने के बाद आप 1% समूह के सभी 6 लोगों से मिलेंगे और सीखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। इस नियम का वादा करना ज़्यादा मुश्किल था। जिम को कैन की झिझक का एहसास हो गया, इसलिए वह आगे बोले, आपके वादे के बदले मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ कि इसके बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने में कामयाब होंगे। मैं यह वादा भी कर सकता हूँ कि आपकी सफलता आपके लक्ष्य के अलावा जीवन के दूसरे क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगी। आपके मित्र और परिवार, आपके सहकर्मी, आपका समुदाय। जिम, आपका आत्मविश्वास बड़ा प्रेरक है, लेकिन क्या आप सचमुच इतना बड़ा वादा कर सकते हैं? कैन संदेहवादी नज़र नहीं आना चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी बात का वादा करने से पहले उसे वह सवाल तो पूछना ही था जो उसके दिमाग में घूम रहा था। यदि मैं उसे मिट्टी का ना बना हुआ तो क्या होगा? अगर यह मेरे लिए कारगर ना हुआ तो क्या होगा? मैं आपसे इतना बड़ा वादा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जो विचार, साधन और तकनीकें सीखने वाले हैं वह कारगर हैं। मैं आपसे यह वादा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि यह तकनीकें राय पर नहीं बल्कि ठोस शोध पर और परीक्षण पर आधारित हैं। जैसे कि आप खुद देखेंगे, बेशर्त कि आप वादा करने का चुनाव करें, जिम ने कहा। मैं आपसे यह वादा इसलिए कर सकता हूँ
क्योंकि यह तकनीकी राय पर नहीं बल्कि ठोस शोध और परीक्षण पर आधारित है। जैसे कि आप खुद देखेंगे, बेशर्त आप वादा करने का चुनाव करें। कैन को यह सुनकर राहत मिली कि जिम की आवाज़ से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह उसके सवालों से चिढ़ रहे हैं। जिम उस पर दबाव भी नहीं डाल रहे थे। कोच की आवाज़ से कैन को लगा कि उनका विश्वास बहुत गहरा था, इसलिए उन्हें दबाव डालने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। जिम ने आगे कहा, मैं जानता हूँ कि आप यह काम कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत से दूसरे लोगों को देखा है जिन्होंने इन तकनीकों की मदद से बेहतरीन चीज़ें की हैं। कैन ने एक गहरी सांस ली, फिर सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे शामिल माने। आपको शामिल मान लिया, जवाब आया, लेकिन ठहरे, तीसरा नियम क्या है? कैन ने पूछा। तीसरा नियम, प्रक्रिया पूरी करने के 180 दिन के भीतर किसी समय आपको कम से कम एक व्यक्ति की उसी तरह मदद करनी होगी जिस तरह की आपकी मदद की गई थी, यानी 1% समूह के आखिरी व्यक्ति से मिलने के 6 महीने के भीतर। मुझे सारी सीखी हुई बातें किसी दूसरे को सिखानी होंगी, सही समझे कैन? क्या आप इसका वादा कर सकते हैं? कैन ने उस होनहार नौजवान के बारे में सोचा जो ऑफिस में उसकी टीम में अभी अभी शामिल हुआ था। उसने अपने बेटे बेटी के बारे में सोचा जो बड़े होकर वयस्क बनने वाले थे। अगर वह उत्कृष्ट हासिल करने की कुंजियां सीख सके तो यह ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना गौरव की बात होगी। मैं कब शुरू कर सकता हूँ? उसने सवाल किया। जिम ने समूह के बाकी सदस्यों से बात की और इसके बाद कैन को सेल्स एग्जीक्यूटिव प्लस का फोन नंबर दे दिया। वह आपको बहुत पसंद आएंगे, जिम ने कहा। वह यह यात्रा शुरू करने के लिए आदर्श व्यक्ति हैं। वह सचमुच आपको शक्ति प्रदान करेंगे। उनकी विशेष योग्यता प्रेरणा और प्रोत्साहन में है। फिर उन्होंने आगे जोड़ा, यह इंसान कुदरत की शक्ति है। कैन फोन पर क्लर्स की ऊर्जा से तुरंत प्रभावित हुआ। उन्होंने 1 मिनट में बेहद लंबी बातचीत कर डाली। कैन को 1% के फॉर्मूले की बुनियादी शुरुआती बातें सिखाने के बारे में वह बहुत रोमांचित थे और उनका रोमांच संक्रामक था। क्लर्स कामकाज के सिलसिले में काफ़ी सारी यात्राएं करते थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से अपने कैलेंडर मिलाए जब तक कि उन दोनों को अपने शेड्यूल में एक शाम को कुछ घंटे खाली नहीं मिल गए। क्लर्स ने पूछा, क्या आप गोल्फ खेलते हैं? दरअसल कैन गोल्फ में फिसड्डी था। ऐसा नहीं था कि वह गोल्फ को पसंद नहीं करता था, ज़्यादा बड़ी बात तो यही थी कि गोल्फ उसे पसंद नहीं करता था। कभी कभार वह खेलने जाता था क्योंकि गोल्फ कोर्स पर बहुत सारी नेटवर्किंग यानी मेल मुलाकात होती थी, लेकिन उसे छोटी सफ़ेद गेंद को छड़ी से मारने में वह कभी माहिर नहीं हो पाया। इसके अलावा क्या उसे और क्लर्स को काम की बातें नहीं करनी थी? देखिए, मैं दरअसल गोल्फ वाला आदमी नहीं हूँ, क्लर्स। बेहतरीन, तो हम गोल्फ कोर्स की ड्राइविंग रेंज में मिलेंगे। क्लर्स ने शायद उसकी बात ठीक से नहीं सुनी थी, लेकिन कैन को उन्हें यह बताने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि क्लर्स इस व्यवहारिक मुद्दे पर आ गए थे कि वह एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे। मैं एक लाल बेसबॉल कैप पहनूंगा, क्लर्स ने कहा। आप भी लाल कैप पहन लेना, इससे हम एक दूसरे को तुरंत पहचान लेंगे। ओ ठीक है, कैन सहमत हो गया। इस मुलाकात को लेकर मैं बहुत रोमांचित हूँ कैन। मैं आपकी राह देखूँगा, तो मिलते हैं, क्लर्स ने धड़ाधड़ बोलते हुए बात ख़त्म कर दी। कैन जानता था कि अगर वह इंटरनेट पर सर्च करके एक दूसरे के फ़ोटो खोज लेते तो पहचानने का काम ज़्यादा आसान होता, मगर जब वह कार में बैठ रहा था और अपने सिर पर कैप पहन रहा था तो उसे खुशी थी कि वह इसे इस तरह कर रहे हैं। इससे वह भी तैयार महसूस करने लगा, थोड़ा घबराया हुआ लेकिन तैयार।
जैसे ही वह ड्राइविंग रेंज में पहुंचा, मतलब वह इलाका जहां गोल्फ खिलाड़ी शॉट मारने का अभ्यास करते हैं, मैं दाखिल हुआ तो फ्लड लाइट्स और विशाल जाली की ओर उड़ने वाली ढेर सारी गोल्फ गेंदों से पल भर के लिए चकरा गया। फिर वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्लर्स को दरअसल लाल बेसबॉल कैप की जरूरत ही नहीं थी, वह ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और कैन ने क्लर्स को तुरंत पहचान लिया। वह वही जोशीला इंसान होगा जो दूसरों सिरे पर गेंदों को हर व्यक्ति से ज़्यादा तेजी से मार रहा था। वह तभी ठहरता था जब वह अपने किसी शॉट से विशेष खुश होता था, और तब वह अपनी मुट्ठी लहराकर विजय संकेत करता था। शॉटों के बीच क्लर्स अपनी भौहें पहुंचने के लिए रुका, और तभी उसने कैन को देख लिया। उन्होंने अपना क्लब नीचे रखा और तेज तेज चलते हुए उसके पास आ गए। उनके चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी। हाय, उन्होंने विश्वासपूर्वक कहते हुए हाथ बढ़ाया। मैं क्लर्स हूँ और आप कैन होंगे। दोनों ने हाथ मिलाया। फिर क्लर्स अचानक मुड़े और हाथ हिलाकर कैन को अपने पीछे बुलाया। अब आप कुछ गेंदों को मारना शुरू करें, आप अपने क्लब लाए हैं। अच्छा, समझा, आप ज़्यादा गोल्फ वाले इंसान नहीं हैं। वह सदास्यता भरी हंसी हंसे। कोई दिक्कत नहीं है कैन, हमारी कड काठी एक जैसी है, इसलिए आप मेरे क्लब से खेल सकते हैं। दोनों शॉट मारने लगे। इस दौरान वह एक दूसरे को अपने बारे में बुनियादी जानकारी, काम धंधे, कॉलेज, गृहनगर, परिवार देते रहे। बातों बातों में कैन को पता चला कि क्लर्स एक बड़ी कंपनी में वैश्विक बिक्री के प्रभारी हैं, जो गोल्फ का सामान बनाती थी, क्लब, बैग, बॉल आदि। तेजी से शॉट मारते वक्त कैन को पहले तो अपना शरीर थोड़ा सख्त और अजीब महसूस हुआ। उसने क्लर्स को बताया कि वह कुछ महीनों से गोल्फ नहीं खेल रहे हैं, इसलिए वह उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। क्लर्स ने हाथ हिलाकर उसकी चिंताएं हवा में उड़ा दी और शॉट मारते समय उसे कुछ मददगार सुझाव दिए। ऐसा लगता था कि कैन के शॉट को जरा सा भी बेहतर बनाने में मदद करना उन्हें सचमुच अच्छा लगता था। कैन ले में आने लगा। अब वह गोल्फ के आकर्षण को देख सकता था। निश्चित रूप से यह संतुष्टिदायक होता जब क्लब धड़ाक की आवाज के साथ गेंद से टकराता है। खास तौर पर यह अब ज्यादा संतुष्टिदायक था क्योंकि पहले के मुकाबले अब उसकी गेंद थोड़ी ज्यादा सीधी, थोड़ी ज्यादा दूर तक जा रही थी। इसके अलावा क्लर्स की बढ़िया शॉट और यही तरीका है जैसी टिप्पणियों से उसे निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिला, लेकिन वह बेचैन हो रहा था। क्लर्स कुछ ही दिनों में सम्मेलनों के दौर पर जा रहे थे, और अगर उन्होंने जल्द ही काम की बात नहीं की तो कैन को लग रहा था कि उन्हें दूसरा मौका जाने कब मिलेगा। उसकी निगाह अपनी नोटबुक पर पड़ी जो बगल वाली कुर्सी पर खुली पड़ी थी। कोच जिम ने फुटबॉल मैच के वक्त बहुत कुछ बताया था। कैन ने जिम से फोन पर वही बातें दोबारा पूछी ताकि वह उन्हें लिख सके। देखिए, सिर्फ लिखना ही उद्देश्य नहीं था। सबसे ऊपर उसने शीर्षक लिखा था, यह करना है। उसका असल उद्देश्य तो सीखी हुई बातों पर अमल करना था। उसकी योजना थी कि जब भी वह 1% समूह के किसी व्यक्ति से मिलेगा तो अपनी करना है सूची में हर बार बिंदु बढ़ा लेगा। हालांकि उसे शायद अपनी गोल्फ की पकड़ के बारे में सुझाव शामिल करने की जरूरत नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए निर्णय लिया। क्लर्स ने उसकी निगाह का पीछा करते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ कि आपको नोट्स लेने की आदत है कैन। यह अच्छा है कि आप इसे गंभीरता से ले रहे हैं। वैसे इसमें क्या लिखा है बताएं, कैन ने जोर से पढ़ा। असाधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच का फर्क 1%। हाँ बिल्कुल, आपने और क्या लिखा है। आप हर व्यक्ति से 100% बेहतर नहीं बन सकते, लेकिन आप सैकड़ों चीज़ों में 1% बेहतर बन सकते हैं।
जब कैन ने अपनी सूची के अगले बिंदु पढ़े तो क्लर्क बुदबुदाए, हाँ यह बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ। इस दौरान वह सारे समय गेंद जमाते रहे, उन्होंने ड्राइविंग रेंज के पार मारते रहे। आप सारे समय नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आप आज किसी चीज़ को कल से बेहतर करते हैं तो आपके पास एक विजेता का दिल हमेशा हो सकता है। हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता, लेकिन वह अभी जहाँ है उससे बेहतर अवश्य बन सकता है। सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि ज़्यादा तेज, ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा शक्तिशाली होने का लक्ष्य बनाएं। जब कैन इस दुविधा में था कि क्लर्स उनकी बात सुन भी रहे हैं या नहीं, तभी वह कैन की ओर मुड़े और चौड़ी मुस्कान के साथ बोले, आपने तो सब कुछ आदर्श तरीके से लिखा है, अब आपको मेरी क्या जरूरत है? उन्होंने अपने हाथ तौलिए से पोछे, बैठे और कैन को भी बैठने का संकेत किया। कैन ने अब तक उन्हें इतना स्थिर नहीं देखा था। क्लर्स कैन की ओर मुड़े और उन्होंने पूछा, आप मानते हैं कि आपने अभी अभी जो बिंदु पढ़े हैं वह उत्कृष्टता हासिल करने की कुंजी हैं, ठीक है? हाँ, मैं मानता हूँ, कैन ने पुष्टि की, हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत किस ओर जा रही थी। क्या आप अपने जीवन के उन पहलुओं को पहचान सकते हैं जहाँ आप 1% सुधार कर सकते हैं? कैन एक पल के लिए ठहरा। उसने ड्राइविंग रेंज के पार घूरा और नौकरी की गतिविधियों के बारे में सोचा। हाँ, वह निश्चित रूप से कई चीज़ों के बारे में सोच सकता था जिन्हें वह थोड़ी बेहतर कर सकता था। उनमें से किसी भी एक चीज़ से भारी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समय की सुधार बहुत प्रभावी होगा। फिर उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने संबंधों के बारे में सोचा, फिर अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में। वह कई चीज़ों के बारे में सोच सकता था जिन्हें वह उसी समय थोड़ी बेहतर करना चाहता था। आखिरकार वह बोला, हाँ, मैं कई छोटे सुधारों के बारे में सोच सकता हूँ जिन्हें मैं हर दिन कर सकता हूँ और जो मिलकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। तो ठीक है, समस्या क्या है? आप उन्हें कर क्यों नहीं देते? इस सवाल पर कैन थोड़ा लज्जित भी हुआ और चिढ़ भी गया। उसके दिमाग में कोई अच्छा जवाब आ ही नहीं रहा था। कैन, आपको यह चीज़ इसी समय करने से कौन सी बात रोक रही है? ईमानदारी से, मैं सोचता हूँ कि मेरे पास कोई सचमुच अच्छा कारण नहीं है, उसने कहा। उसने अपनी लाल बेसबॉल कैप उतार दी और अपने पैरों की ओर देखने लगा। वह थोड़ा पराजित महसूस कर रहा था। बात बस यह है कि इन दिनों मेरे लिए प्रेरित होना मुश्किल होता है। चूंकि मैं प्रेरित नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादा कार्य नहीं कर पाता हूँ। इससे आपकी प्रेरणा और कम हो जाती है क्योंकि आप पर्याप्त कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कैन ने झटके से ऊपर देखते हुए कहा। हाँ क्लर्स, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसने एक पल के लिए सोचा। धीरे धीरे अपनी टोपी दोबारा लगाई और आगे कहा, इसका असर मेरे आसपास के लोगों पर भी नज़र आता है। वह लोग जो ऑफिस में मेरे अधीन हैं और मेरे परिवार के सदस्य, अगर मैं ज़्यादा कार्य कर सकूं तो उन पर अच्छा असर होगा। मैं वो चीज़ें करना चाहता हूँ जो मुझे बेहतर बना सकती हैं, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि उन्हें करने की अपनी प्रेरणा को ऊपर कैसे उठाऊं। कैन को लगा कि क्लर्स ने शायद उसकी आवाज़ में छिपे शांत आग्रह को नहीं सुना, क्योंकि वह अब हंसते हंसते दोहरे हो रहे थे। वह अपनी जांघ पर हाथ भी मार रहे थे। कैन ने सोचा कि उसे शायद इस बात पर चिढ़ ना चाहिए, लेकिन शायद इस आदमी की हर गतिविधियां संक्रामक थी, इसलिए बहुत जल्दी कैन का मुंह भी एक मुस्कान में सिकुड़ गया। क्लर्स ने खुद को संभाला, सीधे तनकर बैठे और कैन के हाथ से नोटबुक तथा पेन ले लिया। आप अपनी प्रेरणा को ऊपर उठाने के तरीके की तलाश कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा कार्य कर लें, ठीक है? कैन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो आपने जो कहा हम उसका रेखाचित्र इस तरह बनाते हैं, क्लर्स ने लिखा, प्रेरणा और कार्य।
आप कह रहे हैं अगर आप ज़्यादा प्रेरित होंगे तो आप ज़्यादा कार्य करेंगे। दूसरे शब्दों में प्रेरणा में वृद्धि। क्लर्स ने उस शब्द की ओर संकेत किया और अपनी उंगली से तीर पर हाथ फेरा। कार्य में वृद्धि की ओर ले जाएगी, बिल्कुल, और यह एकमात्र तरीका है। कैन ने क्लर्स के बनाए स्केच को घूरा। उसके हिसाब से यह काफी स्पष्ट था कि दूसरा कोई तरीका था ही नहीं। उसने सिर हिलाया। अब उठ जाएं, वहां जाएं, एक बॉल को टी पर रखें और उसे क्लब को उठाएं जिसका इस्तेमाल आप पहले कर रहे थे। कैन इस बिंदु पर इतना चकरा गया था कि क्लर्स से विवाद करना या सवाल करना भी मूर्खतापूर्ण लग रहा था। उसने जाकर क्लर्स के बताए अनुसार काम कर दिया। फिर क्लर्स ने पूछा, ठीक है, अब यह बताएं कैन कि जब आप पहले पहले यहाँ आए थे तो आप शॉट लगाने के बारे में कैसा महसूस कर रहे थे? काफी बुरा, कैन ने जवाब दिया। मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि मुझ में दरअसल इसकी नैसर्गिक प्रतिभा नहीं है। अब जब आप यह कार्य कई बारी कर लिया है और इसमें थोड़ा सुधार भी कर लिया है तो अब आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं? अब देखिए, अब तो मैं एक तरह से इसके लिए उत्सुक हूँ। अगर और कुछ नहीं तो मैं इस बाल पर थोड़ी भड़ास ही निकाल दूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने क्लब को लहराया। यह सच था, अब वह सचमुच यह कार्य करना चाहता था। कैन के दोबारा बैठने पर क्लर्स बोले, क्या अब आप एक और संभावना पर विचार करेंगे? अगर तीर दूसरी तरफ भी जाता हो तो कैसा होगा? क्लर्स ने रेखा चित्र में दूसरा तीर भी खींच दिया। कार्य प्रेरणा। अगर आप ज्यादा कार्य करें तो इससे संभवतः आपकी प्रेरणा बढ़ जाएगी, क्लर्स ने कहा। अगर आप अपना कार्य बढ़ा लेते हैं तो आपकी प्रेरणा भी बढ़ जाएगी, गोल्फ स्विंग की तरह, क्लर्स ने ताली बजाई। गोल्फ स्विंग की तरह? अचानक कैन समझ गया कि जिम ने क्लर्स को प्रेरणा विशेषज्ञ का खिताब क्यों दिया था। उनका चेहरा चमक रहा था जब उन्होंने आगे कहा, देखिए कैन, आप बिल्कुल सही हैं कि प्रेरणा होने पर कार्य हो जाता है। जब आप प्रेरित होते हैं तो आप बाहर जाकर उस कार्य को कर देते हैं जिसके भी बारे में आप प्रेरित होते हैं। बहुत सारे लोग यह भूल जाते हैं कि इसका उल्टा भी कम से कम उतना ही सच होता है। प्रेरणा किसी चीज़ को हासिल करने से मिलती है। मैं यह सुझाव दे रहा हूँ कि आप किसी कार्य को जितना ज़्यादा करते हैं आप उसे करने के लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। यह खुद को पोषण देने वाला सत्य चक्र है। आप किसी कार्य को जितना ज़्यादा करते हैं आप उसे करने के लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित होते हैं। इसलिए अगर आप ज़्यादा कार्य करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। या खुद को पोषण देने वाला सत्य चक्र है। कैन को अपने भीतर ऊर्जा की लहर महसूस हुई जब उसने याद आया कि उसे सबसे बड़ी प्रेरणा तब मिली थी जब उसने कोई चीज़ हासिल की थी। मुझे याद है, मैं तैरना सीख रहा था। यकीन करें, मैं तैरना सीखने के लिए कतई प्रेरित नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन हम पानी के पास रहते थे और मेरे माता पिता जवाब में नहीं सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने तैराकी सीखी, उत्साह से नहीं, दरअसल इच्छा से भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सीखी। एक बार जब मैंने कुछ बुनियादी बातें सीख ली, जैसे यह तथ्य कि मैं डूबूंगा नहीं, तो मुझे पसंद आने लगी। मैंने अपने माता पिता से पूछा कि क्या मैं इसका और ज़्यादा प्रशिक्षण ले सकता हूँ। कुछ समय बाद मैं इतना अच्छा तैरने लगा कि मुझे तैराकी टीम में शामिल कर लिया गया। फिर मैंने अपना स्ट्रोक्स आदर्श बनाए। तैराकी में मैंने जो ट्रॉफियां जीती वह अब भी मेरे पास रखी हैं, उसने यादों का आनंद लेते हुए कहा। आपका यही मतलब है ना? जब आप कहते हैं कि मेरी प्रेरणा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका मेरे कार्य को बढ़ाना है ना? बिल्कुल, इस बात की सादगी से कैन अवाक रह गया। वास्तव में अगर यह इतना ही आसान था तो यह उसके जीवन और हर किसी के जीवन में पहले से क्यों नहीं हो रहा?
प्लस के लिए यह कहना एक बात थी कि कार्य प्रेरणा की ओर ले जाते हैं, लेकिन कैन ने सोचा क्लर्स ये तो यही कहेंगे। वह इतने ज़्यादा ऊर्जावान थे, इतने जोशीले व्यक्ति के धनी थे कि उनके जीवन में तो कभी प्रेरणा की समस्या रही ही नहीं होगी। यह उनसे उतने ही स्वाभाविक रूप से फूटती नजर आती है जैसे कि झरने से पानी। लेकिन क्लर्स, शायद कुछ लोग होंगे जैसे कि निश्चित रूप से आप, जो हम बाकी इंसानों से ज़्यादा प्रेरित हो सकते होंगे। कैन, मेरी बात का यकीन करें, हर कोई इस सिद्धांत से लाभ उठा सकता है। क्लर्स ने कैन से नज़रें मिलाए रखी और उनकी आवाज़ अचानक थोड़ी धीमी हो गई जब उन्होंने आगे कहा, जब मैं छोटा था और शुरू कर रहा था तो मुझे दरअसल लोगों के सामने भाषण देना पसंद नहीं था। जब भी मैं बच सकता था इस काम से बचने की कोशिश करता था। आप, कैन ने कहा, यह कल्पना करना मुश्किल था कि जो आदमी अब हर साल हजारों लोगों के सामने व्याख्यान देता था, वह कभी ऐसा महसूस कर सकता था। जब ऑफिस में कोई प्रस्तुति देनी होती थी तो मैं चुपचाप बैठा रहता था और ईश्वर से प्रार्थना करता था कि कोई दूसरा स्विच से हाथ खड़ा कर दे। लेकिन एक दिन मैंने नए सेल्स प्रतिनिधियों के छोटे समूह को प्रशिक्षण देने के लिए हाथ खड़ा कर दिया। यह कैसा रहा, कैन ने पूछा। बहुत ही शानदार रहा। किसी दूसरे के लिए वह प्रशिक्षण ज़्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन उसे सफलतापूर्वक करने से मुझे उपलब्धि का जो एहसास मिला, उसने मुझे संसार के शिखर पर पहुंचा दिया। इससे मैं और प्रस्तुतियां देने के लिए प्रेरित हुआ। मैंने धीरे धीरे अपने विस्तार किया और अब मुझे सैकड़ों हजारों लोगों के सामने खड़े होने में भी कोई समस्या नहीं आती है। तो आपने देखा कैन, असल सवाल यह है, हम शुरू कहाँ से करते हैं? जवाब है कि आप कोई कार्य करके शुरुआत करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, और एक बार जब आप उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है। फिर आप उससे ज़्यादा करते हैं, इससे आपकी प्रेरणा और भी बढ़ जाती है, और फिर आप कोई कार्य को शुरुआत प्रेरणा करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, और एक बार जब आप उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है, फिर आप उसे ज़्यादा करते हैं, इससे आपकी प्रेरणा और भी बढ़ जाती है, और फिर आप और ज़्यादा कार्य करते हैं और इससे आपकी प्रेरणा और भी बढ़ जाती है। कैन ने कहा, यह जिधर जा रहा है वह मुझे पसंद है। मैं पहले से ही देख सकता हूँ कि यह सिद्धांत 1% सुधार करने में मेरी कितनी मदद कर सकता है। क्लर्स ने कैन के हाथ पर ताली मारी और कहा, इसकी एक और कुंजी है, मैं इस लक्ष्य की स्पष्टता कहता हूँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं। इस बारे में स्पष्ट रहें कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। यदि आप प्रेरणा कार्य के आपसी संबंध को समझ लेते हैं तो यह ज़्यादा कार्य करने की आपकी प्रेरणा बढ़ाने में बहुत कारगर होता है। लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित होने में करते हैं जो आपके सकल लक्ष्य में योगदान नहीं देते, तो आप बस अपना समय बर्बाद करेंगे। आपके कहने का मतलब है कि इससे पहले कि मैं प्रेरित होने के लिए अपने कार्य चुनूं, मुझे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे कार्य मेरे लक्ष्य में योगदान देते हों। हाँ, मान ले मैं एक बेहतर सेल्समैन बनना चाहता हूँ, मुझे इस तरह के कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, जैसे अपनी सेल्स क्लास की बेहतर योजना बनाना, मिलने के लिए सही ग्राहकों को चुनना और उनकी ज़रूरत का पता लगाना। मुझे अपनी टेनिस सर्विस का अभ्यास करने जैसे कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। इसके केंद्र में दो अवधारणाएं हैं जो लगती समान हैं लेकिन हैं बहुत अलग। पहली है प्रभावकारिता यानी सही कार्य करना, दूसरी है कार्य कुशलता यानी कार्य को सही तरीके से करना। सबसे पहले तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही कार्य है, यानी आप प्रभावकारी बन रहे हैं। उस कार्य को अच्छी तरह करने में कोई तुक नहीं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
फिर जब आपको यकीन हो जाए कि आप जो सही कार्य कर रहे हैं तो आपको उसे करने में कार्यकुशल होना पड़ता है, यानी उसे सचमुच अच्छी तरह करना पड़ता है। कई बार लोग उन कार्य को करने में सचमुच अच्छे होते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो इसका शीर्षक यह है, उस कार्य को अच्छी तरह करने में कोई तुक नहीं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या इसमें समझदारी लगती है? कैन ने कहा हाँ, और इसे अपनी नोटबुक में लिख लिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप यह करें, क्लर्स ने कहा, जिससे कैन दोबारा ऊपर देखने लगा। इसे मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसलिए इस पर यकीन ना करें, इसे आजमा कर देखें और देखें कि यह सचमुच कारगर होता है या नहीं। क्या आप बस अपने एक कार्य को चुन सकते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि यह सही है और आप इसे बेहतर कर सकते हैं? याद रखें, अभी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। निश्चित रूप से मैं एक कार्य चुन सकता हूँ, क्या आप इसे कल कर सकते हैं? कैन ने एक सेकंड के लिए सोचा, हाँ मैं इसे कल कर सकता हूँ। फिर अगले दिन कैन ने कहा हाँ ठीक है, अब 30 दिन के बारे में यह क्या कहते हैं? मैं आपसे हाल फिलहाल बस इतना ही करने को कह रहा हूँ। आप चाहते हैं कि 1 महीने तक मैं एक कार्य करूँ जो सुधार लाता हो या बेहतर बनाता हो? आप चाहते हैं कि मैं छोटी शुरुआत करूँ? आप सही समझे, कैन पहले से ही उस कार्य के बारे में सोच रहा था जिसे वह कल से शुरू करेगा और वह उसे बिल्कुल नए स्तर की प्रेरणा की राह देख रहा था जो इसकी वजह से उसके जीवन में आएगी। 10 दिन बाद कैन ने अपनी प्रेरणा में वृद्धि पर गौर किया। उसने हर दिन अपने चुने हुए कार्य को काफ़ी निरंतरता से किया था। हालांकि उसने मानना पड़ा कि किसी नई चीज़ को आजमाना अजीब महसूस हुआ था। वह इस बारे में बहुत हैरान था कि कार्य को पूरा करने से उसे इससे करते रहने की ज़्यादा प्रेरणा मिली थी। बीच बीच में वह अपने नोट्स बाहर निकालता था और क्लर्स के रेखाचित्र को देखता था। हर बार जब वह रेखाचित्र को देखता था तो वह इसकी सादगी तक सख्ती से हैरान रह जाता था। एक कार्य से शुरुआत करना सरल और आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी था। थैंक यू।